173 लोगों का कोरोना चेक, 133 नेगेटिव, 40 का रिपोर्ट आना बाकी। रंगरा पीएचसी में 173 लोगों का कोरोना चेक किया गया, जिसमें रैपिड एंटीजन किट से किए गए 133 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। रंगरा पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन कुमार ने कहा कि 40 लोगों का आरटीपीसीआर किया गया है। आरटीपीसीआर प्रक्रिया से की जाने वाली जांच में वे लोग सैंपल लेकर जांच के लिए भागलपुर भेज देते हैं, रिपोर्ट 2 दिन बाद आता है, इसलिए आरटीपीसीआर से किए गए 40 लोगों की रिपोर्ट 2 दिन बाद घोषित किया जाएगा। मारपीट और छेड़छाड़ मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रंगरा पुलिस ने मारपीट और छेड़छाड़ मामले में आरोपी जहांगीरपुर वैसी निवासी पूरन शाह और उसके भाई गंगटा शाह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थानाध्यक्ष ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि दोनों छेड़छाड़ व मारपीट मामले में आरोपी है, जो घटना के समय से ही फरार चल रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में दोनों आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। रंगरा पीएचसी में हो रहा है घटिया सड़क निर्माण, प्रखंड प्रमुख ने काम रोका। रंगरा पीएचसी में कायाकल्प योजना के तहत किए जा रहे सड़क निर्माण में अनियमितता का मामला उजागर हुआ है। रंगरा के प्रखंड प्रमुख संजीव कुमार उर्फ मोती यादव ने बन रही सड़क का निरीक्षण गुरुवार को किया। निरीक्षण के क्रम में संवेदक से इस्टीमेट की कापी मांगी गई, लेकिन मौके पर कापी नहीं दी गई। दूसरी तरफ कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार की ठोस जानकारी संवेदक पक्ष से नहीं दी गई। रंगरा प्रखंड प्रमुख मोती यादव ने कहा कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। सड़क की ढलाई 6 इंच होनी है, लेकिन सड़क की ढलाई महज 1.5 इंच ही किया जा रहा है। पूरा कार्य गुपचुप और अपारदर्शी तरीके से किया जा रहा है। स्थल पर किसी भी प्रकार का सूचना बोर्ड भी नहीं लगाया गया है। प्रखंड प्रमुख ने कहा कि इस तरह से बन रही सड़क 2 माह भी टिक नहीं पाएगी और जनता का पैसा खामखां बर्बाद हो जाएगा। प्रमुख ने कहा कि किसी भी सूरत में इस तरह का घटिया निर्माण करने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए उन्होंने प्रखंड के वरीय पदाधिकारियों का भी ध्यान सड़क निर्माण की ओर आकृष्ट कराया है। रंगरा पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन ने कहा कि अस्पताल के किचन से ट्रॉली को वार्ड तक ले जाने के लिए एक समतल पट्टी का निर्माण कराया जाना है। इसी सड़क में अनियमितता का मामला उजागर हुआ है, वे भी मामले की जांच करेंगे। निर्माण कार्य कायाकल्प योजना से जुड़े लोगों द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल प्रखंड प्रमुख के कहने पर कार्य को बंद कर दिया गया है।